भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के निर्देशन पर महिला मोर्चा के द्वारा प्रतिदिन शहर के अलग अलग वार्डों में जनसंपर्क किया जा रहा है। इसी के चलते शुक्रवार को महिला मोर्चा के द्वारा वार्ड क्रमांक 12-13 में जनसंपर्क किया गया। जनसंपर्क के दौरान वार्ड की महिलाओं ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई जा रही अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग को मिल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बहुउद्देशीय मुख्यमंत्री बहना योजना से लाभान्वित बहनें जनसंपर्क के दौरान अपने भैया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार भी व्यक्त कर रही हैं। पूर्व प्रदेश मंत्री ज्योति हेवतीकर ने बताया कि यह चुनाव व्यक्ति का चुनाव नहीं है, प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनाने का चुनाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब देश के नहीं बल्कि विश्व के नेता बन चुके हैं। और कुछ क्या कहा सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकार में रहते हुए जो इतने समय से जो कार्य किए हैं, मध्य प्रदेश को एक बहुत ही आदर्श जो राज्य बनाया गया है और पूरे देश में मोदी जी ने जो पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाई है और पूरी विश्व को जो है प्रणवंत विश्व आर्य का जो एक प्रयास किया जा रहा है और उसको देख करके एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी और भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी योजनाएं हैं जिन्हें कांग्रेस ने बंद कर दिया था आने के बाद में वो फिर से हमने चालू की है और आगे और हम इस प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करते रहेंगे। क्या अपील करना चाहेंगे आप क्षेत्रवासियों से, नगरवासियों से? नगरवासियों से हम ये अपील करना चाहते हैं कि भारत को फिलिस्तीन जैसा होने से बचाने के लिए पूरा प्रयास केवल मोदी जी ने किया है और मोदी जी है तो हम है, मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है और इसलिए इस राष्ट्र के लिए बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आकर पूरे विश्व में कृणवंत विश्व आर्यम का एक कार्य कर सके। नीलेश मालाकार की रिपोर्ट।